हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो परीक्षा पर सरकार का एक बड़ा फैसला आया है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि फरवरी तक नहीं होगी कोई भी CBSE 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी ने बोर्ड परीक्षा को लेकर कुछ कहा है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मैं दे सकूँ। आगामी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों पर संशय के बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आज देश भर के शिक्षकों और छात्रों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी और शिक्षकों के बीच संवाद शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने इस दौरान यह बताया कि बोर्ड परीक्षा जनवरी फरवरी में आयोजित नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जनवरी फरवरी में परीक्षा संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन फरवरी के बाद परीक्षा कब होगी इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल फरवरी तक बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद परीक्षाओं को लेकर हम विचार विमर्श करेंगे और बाद में इसकी जानकारी देंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जनवरी या फरवरी में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, बाद में एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। निशंक जी ने कहा 15 फरवरी से मार्च मध्य तक परीक्षा होती थी, जो परिस्थितियां हैं जनवरी फरवरी में ये परीक्षा संभव नहीं। फरवरी के बाद हम परीक्षा कब करवाएंगे इस पर हमें और विचार विमर्श करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई अपडेट होता है तो हम आगे देंगे। इससे पहले CBSE ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि CBSE बोर्ड 10th 12th एग्ज़ाम 2021 को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। तो निशंक जी ने बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों ने योद्धाओं की तरह बच्चों को पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भी ऑनलाइन मोड से शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं। भारत दुनिया का पहला देश बनेगा जहाँ स्कूली स्तर पर ही AI की पढ़ाई शुरू होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बोर्ड परीक्षाओं के का जो समाचार है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं उनको कब तक परीक्षा देनी है इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए और संबंधित बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।